सकता है कि कर्मा वाली खबर भी हमको याद नहीं निकल गई है आपको, कहीं कर्म वाली सुस्ती है, हम कहीं सुस्ती है तो क्या भी? हिंदी की 12 महीने होते हैं और 12 महीने में सूर्य के संचरण से इसका तात्पर्य होता है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। जब भगवान भास्कर इस राशि पर संचरण करते हैं तो खरमास होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो भगवान विष्णु का एक रूप जो है बृहस्पति का है, और बृहस्पति एक सौम्य ग्रह है। जब इनके सौम्य राशि पर भगवान भास्कर का संचरण होता है तो उस मास को खर मास कहा जाता है, यानी वो मास खर होता है। इस समय में जो कि शादी विवाह मांगलिक कार्य के जो है कारक ग्रह हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को माना गया है, तो इस समय में शादी विवाह मांगलिक कार्य आदि वर्जित बताए गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास लगते हैं, पहला जो है धनु संक्रांति से और दूसरा मीन संक्रांति से। हर बार की तरह जो है इस बार जो है भगवान भास्कर का जो है वृश्चिक राशि से धनु राशि में जो है संक्रमण 16 तारीख को सायं 6:25 पर हो रहा है, या रात्रि 6:25 पर हो रहा है, वहां से खरमास की शुरुआत हो जाएगी। अर्थात 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो रही है, जो 14:15 की मध्य रात्रि के बाद 2:13 तक जो है खरमास रहेगा, और 15 तारीख की रात्रि में जो है, यानी 14:15 की रात्रि में जो है भगवान भास्कर का धनु राशि से मकर राशि में जाते ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। अर्थात 15 तारीख को जो है मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का जो पूर्णकाल होगा वो 15 तारीख को होगा। और इस बार की खास बात यह है कि जो मकर संक्रांति पे जो भगवान भास्कर का जो मकर पे संचरण होगा, वह पहला दिन जो है कुंभ का प्रथम स्नान, मकर संक्रांति का स्नान होगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो खरमास जो प्रथम प्रकार का प्रथम बार जो है सूर्य जो है धनु में जाते हैं, वह दूसरी बार जब मीन राशि में जाते हैं, अर्थात 14 मार्च से 14 अप्रैल जो है यह दूसरी बार खरमास लगता है। तो साल में 2 बार खरमास लगता है,